पापा की परी गलती से जहरीला सेब खा लेती है और तुरंत ही उसका नाक सूज जाता है। नौकरानी एक आईना लेकर आती है जिसमें वो अपना नाक देखती है जो बहुत बड़ा हो गया था और शहजादी हैरान हो जाती है। अचानक से उसका नाक किसी सांप की तरह बढ़ने लगता है जिसके बाद उसका नाक खिड़की से बाहर निकलता है। उसका नाक बढ़ते ही बढ़ते जा रहा था और दूर जा रहा था और जल्द ही नाक सड़क पर पहुंच जाती है। सड़क पे चलते लोग देखते हैं कि वो क्या था, वो किसी सांप की तरह दिख रहा था और जितने ज्यादा लोग उसे देखते हैं उतना ही ज्यादा उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या है और वो उतना ही अजीब दिखता है। उनमें से बहुत लोग नाक के साथ भागते हैं पर वो नाक इतनी तेज भागती है कि वो जल्दी देश की बॉर्डर को क्रॉस कर लेती है। उनमें से एक पेंटर नाक को भागते हुए देख लेता है और राजा को फोन लगाता है। राजा अभी अपने घर में बैठा था और अपनी बेटी का नाक पकड़ रखा था और यहाँ नाक हजारों मील दूर बर्फ में पहुंच चुकी थी। जब शहजादी के नाक में ठंडी हवा लगती है तो वो ना चाहते हुए भी छींक देती है पर नाक वहाँ नहीं रुकती और एक गरीब के घर पहुंच जाती है। वो औरत उसे देखते ही गर्म पानी का मटका लाती है और उसके नाक पर गर्म पानी डाल देती है जिससे शहजादी को वॉट लग जाती है। इससे पहले कि शहजादी कुछ रिएक्ट करती उसकी नाक पहले ही दूसरे देश में पहुंच चुकी थी।